इसीलिए जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। इतना पोपट तो जेठालाल का भी नहीं होता जितना हमारा पोपट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, 30 रुपए देकर देखी हमने जेसीबी की खुदाई, ये मीम सच हो गया है। अरे उठने दो बच्चे को, तो बच्चे को भी थोड़ा सा, एक बार नीचे जाने दो, एक बार उसको नीचे जाने दो, फिर देखते हैं ये आपको दबाता है नहीं दबाता। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। बहुत ऊंचाई पर है ये स्टेडियम, और आई थिंक ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम है। आई डोंट थिंक सो। मैं आपको इसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे आपको मेंशन भी कर दूंगा कि यह सबसे बड़ा स्टेडियम है या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब आपको दिखाऊंगा मैं स्टेडियम कैसा दिखता है और स्टेडियम में क्या क्या है, चलिए साथ चलते हैं। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको अपना मास्क जरूर पहनना पड़ेगा, बिना मास्क के आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। तो ये है हमारी भी स्टेडियम की एंट्री, स्टेडियम के लिए हम अब इसी रास्ते से अभी आगे निकलेंगे। चलो तो दोस्तों पहुंच तो गए हैं स्टेडियम में, पर आकर हो गया है मूड खराब। देख सकते हैं आप अभी स्टेडियम के हालात, इसीलिए जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। मतलब कि पोपट ही हो गया है, इतना पोपट तो जेठालाल का भी नहीं होता जितना हमारा पोपट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो एक तो आपके पास मास्क होना चाहिए और साथ के साथ 30 रुपए जेब में चेंज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपए देने पड़ेंगे ऐसी खुदाई देखने के। और 30 रुपए देकर हमें मिल रहा है, 30 रुपए देकर देखी हमने जेसीबी की खुदाई, ये मीम सच हो गया है, बिल्कुल सच हो गया है। तो गाइस अब हम आ पहुँचे हैं स्टेट वॉर मेमोरियल, जी हाँ हिमाचल प्रदेश के स्टेट वॉर मेमोरियल में आ चुके हैं, जहाँ पर जितने भी इनके थ्रू ऑपरेशंस हुए हैं उनके लिए एक मेमोरियल इन्होंने यहाँ पर बनाया है, और जो जो यहाँ पर हुए हैं ऑपरेशंस, ये है उन सबकी डिटेल्स। देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर हुए हैं। तो ये हैं कुछ ऑपरेशन जो यहाँ पर हुए हैं। ये है भारत माता का पूरा नक्शा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं धर्मशाला से मकलोड़गंज के लिए, आगे की डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। तो फिर से मिलते हैं इस 13 किलोमीटर के सफ़र के बाद मकलोड़गंज, तब तक लें आप सफ़र का मज़ा।
हेलो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं डल लेक पर। डल लेक बिल्कुल हरी हो गई है, इतना काई जमा हुआ है कि देख के बस क्या ही बताऊं मैं आपको। अब अपने आप देखिए और देखिए किस लेक का क्या हो चुका है। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ, एक प्लेस है डल लेक से 2 किलोमीटर आगे, इसका नाम है नड्डी। अब मुझे बताया गया है कि यहाँ का एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत ही शानदार व्यू मिल सकता है। तब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का आपको शानदार व्यू मिलेगा, और व्यू के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप डल लेक से यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हैं। गाइज अब मैं निकल रहा हूँ गोलू भाई के साथ वापस से डल लेक पर। हमने व्यू पॉइंट देख लिया है, बहुत शानदार नज़ारे थे यहाँ पर। तो अगर आप डल लेक से व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप डल लेक पहुँचने के बाद या तो 2-2.25 किलोमीटर का एक नॉर्मल सा एक ट्रैक है वो कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो आपको डल लेक के बाहर ही मिल जाएंगे कुछ ऑटो वाले जो 70 रुपीज़ में आपको एक ऑटो में 3 लोग बिठा कर यहाँ पर ले आएंगे। 5 या 7 मिनट का रास्ता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ वर्थ है। बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी, क्यों गोलू? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी फोटोज आएंगी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, हम आए ऑटो में थे पर हम जा रहे हैं वापस ट्रैक करते हुए। 2 किलोमीटर का ट्रैक है तो अभी हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। हाँ, आपको और अभी आपको वीडियो अच्छी लगी अभी तक तो वीडियो को यहीं पर रोक के सब्सक्राइब बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, अगर हम मेरी इस ट्रिप की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं आप तो hypnosis_gaurav स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल, वहाँ पर जाकर आप मेरे और मेरे इन सभी दोस्तों की फ़ोटोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम पहुँचते हैं वापस से डल लेक, फिर अपनी ट्रिप को वहाँ से जारी रखेंगे। कमांडर, दोस्तों हम आ गए हैं हमारी मैक्लोडगंज के ब्लॉक की अगली डेस्टिनेशन, जो कि एक वाटरफॉल है, भाग सुनाग वाटरफॉल। और ये एक बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है जो एक बहुत ही ऊंची हाइट से नीचे आ रहा है, और पानी बहुत ही ठंडा है। हमने पिछला आधा घंटा यहाँ पर बिताया है और हमारी कुल्फी जम गई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाटरफॉल दिखता कैसे है। और पानी तो पानी आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगा, पर पानी बहुत ही ठंडा है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। Thank you.
तो डे वन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ से जाते हैं सीधा अपने होटल, जो कि बेसिकली एक हॉस्टल था जहाँ पर हमने अपने अलग अलग कमरे लिए। आपको डे टू के ब्लॉग में मैं आपको दूंगा पूरे रूम का टूर और करेंगे डे टू की जर्नी कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वो अपनी जिंदगी का भरपूर मजा गौरव कंसल के साथ।